नमस्कार छात्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हमारी पुस्तक चल रही थी जिसमें हमने पांच पाठों का अध्ययन कर लिया था। तो आज हम षष्ठ पाठ, छठा पाठ, कौन सा पाठ है आपका? महाराणा प्रताप। यह जो पाठ है, यह पाठ गद्य का पाठ है। गद्य यानी इस पाठ में से आपके लिए पांच अंक का हिंदी अनुवाद, जिसे हिंदी व्याख्या भी अपन बोल सकते हैं, वो आ सकता है। तो यदि हम हिंदी में, तो दूसरी बात, इस पाठ में से यदि हमको क्या बनाना हो, प्रसंग बनाए, तो प्रसंग हम हिंदी में ही बनाएंगे, क्योंकि व्याख्या जो है वो संस्कृत, जो अनुवाद आएगा आपका वो किसमें आएगा? हिंदी में आएगा। इसलिए हम किसमें बनाएंगे? हिंदी अनुवाद में, हिंदी में ही आपका प्रसंग बनाएंगे। तो हिंदी में प्रसंग यदि हम बनाते हैं तो किस प्रकार बनता है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के महाराणा प्रताप नामक पाठ से लिया गया है, इस प्रकार से हम बना सकते हैं। ठीक है, अब यदि हम बात करें पाठ की तो थोड़ा सा परिचय पढ़ लेते हैं इसका। महाराणा प्रताप पाठ है, यह पाठ महाराणा प्रताप के शौर्य को, बलिदान को, इसके बारे में हमको अध्ययन कराता है। तो शुरू करते हैं पाठ परिचय थोड़ा सा कि भारतवर्षम सहस्राधिक वर्षाणि परतंत्रम आसीत। कि भारतवर्षम माने भारतवर्ष सहस्राधिक वर्षाणि, हजारों वर्षों तक परतंत्र यानी गुलाम था। ठीक है, वैसे जो परिचय है आपका उसमें से कुछ आता नहीं है, सिर्फ आपको लेखक आदि, लेखक वगैरह जो होते हैं उनके बारे में ही पूछा जाता है। वो भी क्या पूछा जाता है कि आपको प्रसंग किस प्रकार से बनाना है, उसमें आपको लेखक इम्पोर्टेंस देते हैं। तो भारतवर्ष हजार वर्षों तक परतंत्र यानी गुलाम था। वैदेशिक पद दलित ही दास्य रूचित है तस्मिन काले मुगल वंशीयानां शासने प्रायशः राजानः युद्धं विने मुगल सत्ताधीशानां आधिपत्यं स्वीकृत्य तानेव जगदीश्वरान् भावयन्ति स्म। वैदेशिक पद दलितों, दास आदि के दूषित होने पर उस काल में मुगल वंशीय शासनों में प्राय राजा युद्ध के बिना ही मुगल सत्ता के अधीन अपने आधिपत्य को स्वीकार करके, ताने माने उनको, किनको? मुगल वंशियों को जगदीश्वरम भावयन्ति स्म, जगदीश्वर मानते थे, भगवान उनको ही मानते थे। तेषां सेवायां बुद्धि परिकरः सन्तः, तेषां सेवायां उनकी सेवा में ही बुद्धि परिकर होकर, बुद्धि से पूर्ण होकर स्वदेश रक्षा व्रत विमुखता भजन्ति स्म, अपने देश की रक्षा का व्रत भजन के माने भजन करते थे या स्मरण करते थे। तो इस प्रकार से जो परिचय अपन पढ़ सकते हैं, इसमें से इतना कुछ है नहीं वैसे। अब हम पाठ पे यदि आते हैं तो पाठ जो है, यह जो पाठ है वो महाराणा प्रताप के जीवन परिचय को प्रदान करता है, उनके शौर्य आदि के बारे में हमको अध्ययन कराता है। पाठ स्टार्ट करते हैं। महाराणा प्रताप उत्सर्ग परंपराया उद्भव भूमि। उत्सर्ग यानी त्याग, परंपराया यानी परंपरा की विभक्ति लग रही है इसमें, षष्ठी, त्याग परंपरा की भूमि, त्याग परंपरा की भूमि, प्रतापस्य पुण्य भूमि, प्रतापस्य पुण्य भूमि, प्रताप की पुण्य भूमि, मेवाड़ राज्यम, मेवाड़ राज्य माने मेवाड़ राज्य को कौन है जानाती, कौन नहीं जानता। प्रताप की उत्सर्ग यानी त्याग परंपरा की उद्भव भूमि, प्रताप की पुण्य भूमि, मेवाड़ राज्य को कौन नहीं जानता। इदम राज्यम, यह राज्य सूरणाम शौर्येण, सूरणाम यानी वीरों के, सूरणाम कैसे कहते हैं? वीरों के। शौर्येण माने शौर्य से, कौन सी विभक्ति लगी हुई है इसमें? तृतीया लगी हुई है। सूरणाम माने वीरों के शौर्य से,
और युवना माने जवानों की आत्म आहुत्या, आत्म आहुत्या माने आत्म बलिदान, सती नाम से जौहर, सतियों के जौहर, परंपरया, परंपरया यानी तृतीय विभक्ति नहीं हुई है, परंपरा से विश्व अस्मिन, अस्मिन माने इस विश्व यानी संसार में, जगति में यानी संसार में, महति माने महान, प्रसिद्धिम अलबत, प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। दोबारा से देखते हैं, यह राज्य वीरों के शौर्य, जवानों के बलिदान, सतियों की जौहर परंपरा से इस संसार में महान अधिक प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। मेवाड़ राज्य से सिसोदिया वंशी, मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश में बप्पा रावल, राणा हमीद, राणा सांगा प्रभृति वीराणाम सुदीर्घा परंपरा विद्यते। कि मेवाड़ राज्य से माने मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश से, सिसोदिया वंश में बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा प्रभृति माने जैसे, मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश में बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा जैसे वीराणाम माने वीरों की, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, वीराणाम माने वीरों की सुदीर्घा परंपरा विद्यते, लंबी परंपरा विद्यमान है। क्या है? लंबी परंपरा विद्यमान है, विद्यते यानी विद्वान है। अस्याम एव परंपरायाम, अस्याम एव, अस्याम प्लस एव, ठीक है, अस्याम एव, अस्याम यानी इसी परंपरायाम, परंपरायाम में सप्तमी व्यक्ति का एक वचन आया है रामायाम, अस्याम एव परंपरायाम, इसी परंपरा में महाराणा प्रताप सिंहस्य, महाराणा प्रताप सिंह का जन्म है, माने जन्म विक्रमस्य 1577 सत्तिन में, विक्रमस्य 1577 सत्तिन में तमे वर्षे और 1540 ईस्वी आबदे ज्येष्ठ शुक्ल तृतीयाम एवं, इसी परंपरा में महाराणा प्रताप सिंह का जन्म विक्रम संवत 1577 में और 1540 ईस्वी के ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को अभवत माने हुआ। अभवत जो है वो भू धातु का लंगड़ काल का प्रथम पुरुष का क्या है, एक वचन है, अभवत, अभवताम, अभवन। ये भी आपको लकारों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो दोबारा से देखते हैं, इसी परंपरा में महाराणा प्रताप सिंह का जन्म विक्रम संवत 1597 वर्ष 1540 ईस्वी की ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ। प्रताप है माने प्रताप, बाल्य कालादेव वीर योद्धा कुशल सेनानी धीर नायकस्य आसीत्, प्रताप है यानी प्रताप, बाल्य कालादेव बचपन से ही वीर योद्धा कुशल सेनानी और धीर धैर्यशाली नायक था। वीर योद्धा प्रताप यानी प्रताप है यानी प्रताप, बाल्यकालापेव यानी बचपन से ही वीर योद्धा कुशल सेनानी और धैर्यशाली क्या था, नायक था। पितु उदय सिंहस्य अनंतरम, पितु यानी पिता, उदय सिंहस्य अनंतरम, उदय सिंह के अनंतरम यानी बाद, प्रताप है माने प्रताप ने महाराणा पदवीं प्राप्य, महाराणा पद को प्राप्त करके प्रताप ने, पिता उदय सिंह के बाद प्रताप ने महाराणा पदवी को प्राप्त करके स्वयं वयसः अपनी आयु के 32वें तमे वर्षे, 32वें वर्ष में पिता उदय सिंह के बाद प्रताप ने महाराणा पदवी को प्राप्त करके अपनी आयु के 32वें वर्ष में मेवाड़ राज्य सिंहासनम, मेवाड़ राज्य के सिंहासन को आरूढ़वान माने ग्रहण किया या उस पर बैठे। तस्य राज्य अभिषेक है गोगुंडा ग्रामे अभवत, तस्य माने उनका राज्य अभिषेक माने राज्य अभिषेक गोगुंडा ग्रामे यानी गोगुंडा गांव में अभवत यानी हुआ। उनका राज्य अभिषेक
गोगुंदा गांव में हुआ। एक बार दोबारा से हिंदी पढ़ते हैं इसकी, कि त्याग परंपरा की उद्भव भूमि, प्रताप की पुण्य भूमि, मेवाड़ राज्य को कौन नहीं जानता, यह राज्य सूरों के शौर्य, जवानों की बलिदान, सतियों की जौहर परंपरा से इस संसार में महान प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश में बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा जैसे प्रभृति माने जैसे वीरों की लंबी परंपरा विद्यमान है। अस्यामी परंपरायाम इसी परंपरा में महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1597 1540 ईस्वी की ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ। प्रताप बाल्यकाल से माने बचपन से ही वीर योद्धा, कुशल सेनानी, धैर्यशाली नायक था। प्रताप बचपन से ही वीर योद्धा, कुशल सेनानी, धैर्यशाली नायक था। अब धीर नायक में कौन संधि है? धीर नायक प्लस च, क्या लग जाएगा? विसर्ग लग जाएगा, तो विसर्ग के स्थान पर से का आगम होगा, इसलिए यहाँ पर कौन संधि होगी? सत्व विसर्ग संधि होगी। कौन सी संधि होगी? सत्व विसर्ग संधि। पितु उदय सिंह से अनंतरम, पिता उदय सिंह के बाद महाराणा पदवी प्राप्त, महाराणा पद को प्राप्त करके अपनी आयु के 32वें वर्ष में राजा मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर आरूढ़वान यानी बैठे विराजमान हुए। सस्य राज्य अभिषेक है, उनका राज्य अभिषेक गोगुंदा ग्राम में एवं गोगुंदा गांव में हुआ। उनका राज्य अभिषेक कहाँ हुआ? गोगुंदा गांव में हुआ। तस्मिन काले उस समय उत्तर भारते मुगल वंशिया नाम शासक का नाम शासनम आसे। तस्मिन काले यानी उस समय उत्तर भारत यानी उत्तर भारत में मुगल वंशिया नाम मुगल वंशीय शासक का नाम माने शासकों का शासनम आसीत, शासन था उस समय मुगल वंशीय शासकों का शासन था। राजा ने माने राजा तत्सेवामेव उनकी सेवा को ही स्वकर्तव्यम मन्यमाना, देश रक्षा कर्तव्यात् सर्वथा विमुखा आसन। राजा ने माने राजा तत्सेवामेव उनकी सेवा को ही स्वकर्तव्यम मन्यमाना, अपने कर्तव्य मानते हुए देश रक्षा कर्तव्यात् देश की रक्षा कर्तव्य से सर्वथा विमुखा आसन, हमेशा विमुख रहते थे। राजा उनकी सेवा को ही अपना कर्तव्य मानते हुए देश की रक्षा कर्तव्य से हमेशा क्या रहते थे? विमुख रहते थे। मुगल शासक से सहायम मुगल शासक की सहायता करके विधाय माने करके वी उपसर्ग धा धातु ले प्रत्यय कि मुगल शासक से सहायम विधाय मुगल शासक की सहायता करके आत्मगौरवम मन्यते आत्मगौरव मानते थे। मन्यते स्म आत्मगौरव क्या करते थे? मानते थे। शत्रु भी सहे शत्रुओं के साथ, सहे माने साथ। अब देखो सहयोग में कौन से व्यक्ति का प्रयोग किया है हमने? शत्रु भी सहे शत्रुओं के साथ दीर्घकालीनाम युद्धानाम कारणेन, शत्रु भी सहे सहयोग में आती है तृतीय व्यक्ति। कौन से सूत्र से? सहयुक्ते अप्रधान सूत्र से। कौन सी व्यक्ति होती है इसमें? तृतीय व्यक्ति होती है। ठीक है, तो आगे शत्रु भी सहे दीर्घकालीनाम युद्धानाम कारणेन, शत्रुओं के साथ लंबे समय तक युद्ध करने के कारण से मेवाड़ राज्य स्थिति समीचीना न आसीत। मेवाड़ राज्य की जो स्थिति थी वो समीचीना माने ठीक, न आसीत माने नहीं थी। शत्रुओं के साथ लंबे समय तक युद्ध करने के कारण मेवाड़ राज्य की स्थिति जो थी वो ठीक नहीं थी, समीचीना माने ठीक। यद्यपि प्रतापस्य पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा आसीत,
यद्यपि संधि हो जाएगी इसमें यदि प्लस अपि, ई के बाद असमान स्वर आने पर ई का यह हो जाता है, ईरण संधि का नियम है। यद्यपि प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह, कौन? प्रतापी राजा आसीत, प्रतापी राजा थे। यद्यपि प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा थे, किंतु लेकिन परिस्थिति वशात, परिस्थिति वश, परिस्थिति के कारण चित्तौड़ आदि स्थानानि, चित्तौड़ आदि स्थानों को आक्रांत आक्रांत भी अधिग्रहितानि, आक्रांत भी अधिग्रहितानि, आक्रांत माने आक्रमणकारियों ने, अधिग्रहितानि माने अपने अधिग्रहण कर लिया या कब्जे में ले लिया। दोबारा देखते हैं। यद्यपि प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा थे, किंतु परिस्थितिवश चित्तौड़ आदि स्थानों को आक्रमणकारियों ने अपने अधिग्रहण यानी अपने कब्जे में ले लिया। अतएव माने इसलिए सिंहासनम अधिरूढ़, सिंहासन पर विराजमान होते हुए प्रताप है माने प्रताप में, हस्तच्युतान, हस्त यानी हाथ के च्युतान माने निकले हुए, प्रमुख दुर्गान, प्रमुख दुर्गों को प्राप्त माने प्राप्त करने के लिए, चिंतनम आरेभे, चिंतनम आरेभे यानी चिंतन करना प्रारंभ किया। दोबारा सुनते हैं। इसलिए सिंहासन पर बैठे हुए प्रताप ने हाथ से निकले हुए प्रमुख दुर्गों को प्राप्त करने के लिए चिंतन प्रारंभ किया, या चिंता करने प्रारंभ की, या चिंता करने लगे। प्रथमम से, प्रथमम माने पहले, से माने उन्होंने, पहले उन्होंने, स्वे स्वामी भक्त सामंता नाम, स्वे माने अपने, स्वामी भक्त सामंता नाम, स्वामी भक्त सामंतों और स्थानीय भिल्ल जाना नाम, और स्थानीय भील लोगों की, जाना नाम माने लोगों की, सभा माने सभा को आकारितवान, आकारितवान माने बुलाया। सबसे पहले उन्होंने स्वयं अपने स्वामी भक्त सामंतों, स्थानीय भील लोगों की सभा को बुलाया। तत्रैव से प्रतिज्ञां कृतवान, तत्रैव माने वहां पर, तत्र प्लस ए कौन संधि हो जाएगी? वृद्धि, ए अथवा आ के बाद ए अथवा आई आने पर कौन संधि होती है? वृद्धि। तत्रैव माने वहीं पर, से प्रतिज्ञा कृतवान, उन्होंने प्रतिज्ञा की, तत्रे माने वहीं पर, से माने उन्होंने, प्रतिज्ञा कृतवान माने प्रतिज्ञा की, यावत, यावत माने जब तक, अहम माने में, हस्त की उदाहरण माने हाथ से निकले हुए, स्व राज्य भागान, अपने राज्य के भागों को, पुनः ने प्रापिष्यामि, फिर से प्राप्त नहीं करूंगा जब तक मैं हाथ से निकले हुए अपने राज्य के भागों को फिर से प्राप्त नहीं करूंगा। तावत माने तब तक, सुवर्ण पात्रेषु, सुवर्ण पात्रेषु माने सोने के पात्रों में, भोजनम ने करिष्यामि, भोजन नहीं करूंगा। तावत माने तब तक, सुवर्ण पात्रेषु माने सोने के पात्रों में, भोजनम ने करिष्यामि, भोजन नहीं करूंगा। और राज प्रसादे वासम ने करिष्यामि, और राजा के महल में भी निवास नहीं करूंगा। मृदु तल्पे, मृदु माने कोमल, तल्पे माने बिस्तर पर, शयन, शयनम ने, शयन भी नहीं करूंगा। करिष्यामि क्री धातु निरट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन क्रिया है करिष्यामि, क्योंकि यहाँ पर एम यहाँ पर आया है एम, तो इसका कर्ता क्या हुआ? एम हुआ। ऐसे पूछ लेता है वो कि प्रस्तुत करिष्यामि क्रिया का कर्ता कौन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एम, और एम कौन है? महाराणा प्रताप। ठीक है, तो जब तक मैं हाथ से निकले हुए अपने राज्य के भागों को फिर से प्राप्त नहीं करूंगा, तब तक सोने के बर्तन में भोजन नहीं करूंगा, और राजमहल में निवास नहीं करूंगा, और नहीं कोमल पर बिस्तर पर, कोमल बिस्तर पर शयन करूंगा। एक बार फिर से उन्हें देख लेते हैं कि तस्मिन काले माने उस समय उत्तर भारत में मुगल वंशीय नाम शासक नाम शासनमासी, मुगल वंशीय शासकों का शासन था,
राजा ने तत् सेवाम से कर्तव्यम मन्ने माना, राजा उनकी सेवा को ही अपना कर्तव्य मानते हुए देश रक्षा कर्तव्य देश की रक्षा कर्तव्य से सर्वथा विमुखा आसन, हमेशा विमुख रहते थे। मुगल शासक से सहायम विधाय, मुगल शासक की सहायता करके अपना आत्मगौरव मानते थे और शत्रु भी सहे, शत्रुओं के साथ लंबे समय तक युद्ध करने के कारण मुगल शासक से करने के कारण मेवाड़ राज्य की स्थिति मेवाड़ राज्य की स्थिति समीचीना नहीं आती, ठीक नहीं थी। यद्यपि प्रताप से पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा थी, यद्यपि प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा थे, किंतु परिस्थितिवश चित्तौड़ आदि स्थानों को आक्रमणकारियों ने क्या किसमें ले लिया, अपने अधिकार में ले लिया। अतः माने इसलिए सिंहासन अधिरूढ़ है, सिंहासन पर बैठे प्रताप माने प्रताप ने हस्त चीतान प्रमुख दुर्गान हाथ से निकले हुए प्रमुख दुर्गों को प्राप्त करने के लिए चिंतनम आरभे चिंतन प्रारंभ कर दिया। और प्रथमम से पहले उन्होंने स्वयं स्वामी भक्त सामंता नाम अपने स्वामी भक्त सामंतों और स्थानीय भीड़ लोगों की सभा को आकर्षित मान माने बुलाया। सबसे पहले उसने स्वामी भक्त सामंतों स्थानीय भीड़ लोगों की सभा को बुलाया, तत्रे से प्रतिज्ञा कृतवान और तत्रे माने वहीं पर उन्होंने क्या की, प्रतिज्ञा की कि यावत अहम जब तक मैं हाथ से निकले हुए अपने राज्य के भागों को प्राप्त नहीं करूंगा, तावत माने तब तक सुवर्ण पात्र से भोजन नहीं करिष्यामि सोने के पात्र में भोजन नहीं करूंगा और राज प्रसाद वासम नहीं करिष्यामि और राजमहल में निवास भी नहीं करूंगा, मृदु तल पे शयनम नहीं करिष्यामि कोमल बिस्तर पर भी शयन नहीं करूंगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है, आप निरंतर कक्षाएं लेते रहें, कोर्स आपका पूर्ण हो ही जाएगा, उसके बाद आप रिवीजन करते रहें, ग्रामर का अधिक से अधिक रिवीजन करें, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है यदि आपकी ग्रामर अच्छी जाती है तो बहुत अच्छे अंक आपको प्राप्त होते हैं। इसलिए हमको विशेष रूप से छोटी सी छोटी बातों पर भी ध्यान देना है, प्रश्न किस प्रकार लिखना है, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। तो आगे कल हम अध्ययन करेंगे आगे इसी पार्ट का, तब तक के लिए धन्यवाद।